नूतन कहानियां चैनल में आपका मित्रों एक बार फिर से स्वागत। आज मैं आपके लिए कहानी ले गया हूं, जिसका शीर्षक है घमंड और साधना। संत कबीर गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर अपने पुत्र कमाल के साथ रहते थे। संत कबीर जी का रोज का नियम था नदी में स्नान करके गांव के सभी मंदिरों में जल चढ़ाकर दोपहर बाद भजन में बैठते, शाम को देर से घर लौटते। वे अपने नित्य नियम से गांव में निकले थे। इधर पास के गांव के जमींदार का एक ही जवान लड़का था जो रात को अचानक मर गया। रात भर रोना धोना चला। आखिर में किसी ने सुझाया कि गांव के बाहर जो बाबा रहते हैं उनके पास ले जाओ, शायद वे कुछ कर दें। सब तैयार हो गए। लाश को लेकर पहुंचे कुटिया पर, देखा बाबा तो है नहीं, अब क्या करें। तभी कमाल आ गया, उनसे पूछा कि बाबा कब तक आएंगे। कमाल ने बताया कि अब उनकी उम्र हो गई है, सब मंदिरों के दर्शन करके लौटते लौटते रात हो जाती है, आप काम बोलो क्या है। लोगों ने लड़के के मरने की बात बता दी। कमाल ने सोचा कोई बीमारी होती तो ठीक था, पर ये तो मर गया है, अब क्या करें। फिर भी सोचा, फिर बोला लाओ कुछ करके देखते हैं, शायद कुछ बात बन जाए। कमाल ने कमंडल उठाया, लाश की तीन परिक्रमा की, फिर तीन बार गंगा जल का कमंडल से छींटा मारा और तीन बार राम नाम का उच्चारण किया। लड़का देखते ही देखते उठकर खड़ा हो गया। लोगों की खुशी की सीमा नहीं रही। इधर कबीर जी को किसी ने बताया कि आपके कुटिया की ओर से गांव के जमींदार और सभी लोग गए हैं। कबीर जी झटकते कदमों से बढ़ने लगे। उन्हें रास्ते में ही लोग नाचते कूदते मिले। कबीर जी कुछ समझ नहीं पाए। आखिर कमाल से पूछा क्या बात हुई, तो कमाल तो कुछ और ही बताने लगा। बोला गुरु जी बहुत दिनों से आप बोल रहे थे ना कि तीर्थ यात्रा पर जाना है, तो अब आप जाओ, यहाँ तो मैं सब संभाल लूंगा। कबीर जी ने पूछा क्या संभाल लेगा। कमाल बोला बस यही, मरे को जिंदा करना, बीमार को ठीक करना, ये तो सब अब मैं ही कर लूंगा, अब आप तो यात्रा पर जाओ जब तक आपकी इच्छा हो। कबीर ने मनी मन सोचा चेले को तो सिद्धि प्राप्त हो गई है, पर सिद्धि के साथ साथ इसे घमंड भी आ गया है, पहले तो इसका ही इलाज करना पड़ेगा, बाद में तीर्थ यात्रा होगी, क्योंकि साधक में घमंड आया तो साधना समाप्त हो जाती है। कबीर जी ने कहा ठीक है, आने वाले पूर्णमासी को एक भजन का आयोजन करके फिर निकल जाऊंगा यात्रा पर, तब तक तुम आसपास के दो चार संतों को मेरी चिट्ठी जाकर दे आओ, भजन में आने का निमंत्रण भी देना। कबीर जी ने चिट्ठी में लिखा था कमाल भयो कपूत कबीर को कुल गयो डूब। कमाल चिट्ठी लेकर गया एक संत के पास, उनको चिट्ठी दी। चिट्ठी पढ़ के वे समझ गए कि उन्होंने कमाल का मन टटोला और पूछा कि अचानक ये भजन के आयोजन का विचार कैसे हुआ। कमाल ने अहम के साथ कहा कुछ नहीं, गुरुजी की लंबी समय से तीर्थ पर जाने की इच्छा थी, अब मैं सब कर लेता हूँ, तो मैंने उनको कहा कि अब आप जाओ और यात्रा कराओ, तो वे जा रहे हैं और जाने से पहले भजन का आयोजन है। संत दोहे का अर्थ समझ गए। उन्होंने कमाल से पूछा तुम क्या क्या कर लेते हो, तो वह बोला वही मरे को जिंदा करना, बीमार को ठीक करना जैसे काम। संत ने कहा आज रुको और शाम को यहाँ भी थोड़ा चमत्कार दिखा दो। उन्होंने गांव में खबर करा दी। थोड़ी देर में 200-300 लोगों की लाइन लग गई, सब नाना प्रकार की बीमार वाले। संत जी ने कमाल से कहा चलो इन सब की बीमारी को ठीक कर दो। कमाल तो देख के चौंक गया, अरे इतने सारे लोग, इतने लोगों को कैसे ठीक करूंगा, ये मेरे बस का नहीं। संत ने कहा कोई बात नहीं, अब ये आए हैं तो निराश लौटाना ठीक नहीं, तुम बैठो। संत ने लोटे में जल लिया और राम नाम का एक बार उच्चारण करके छींट दिया। एक लाइन में खड़े सारे लोग ठीक हो गए। फिर दूसरी लाइन पर छींटा मारा, वे भी ठीक। बस दो बार जल के छींटे मार कर दो बार राम बोला तो सभी ठीक हो गए और वो चले गए। संत ने कहा अच्छी बात है कमाल, हम भजन में आएंगे, पास के गांव में एक सूरदास जी रहते हैं, उनको भी जाकर बुला लाओ, फिर सभी इकट्ठा होकर चलते हैं भजन में। कमाल चल दिया सूरदास जी को बुलाने। सारे रास्ते सोचता रहा ये कैसे हुआ कि एक बार राम कहते ही इतने सारे बीमार लोग ठीक हुए। मैंने तीन बार प्रदक्षिणा की, तीन बार गंगा जल छिड़ककर, तीन बार राम नाम लिया था, तब बात बनी। यही सोचते सोचते सूरदास जी की कुटिया पर पहुंच गया, जाके सब बातें बताई कि क्यों आना हुआ। कमाल सुना ही रहा था कि इतने में सूरदास बोले बेटा जल्दी से दौड़ के जा, टेकरी के पीछे नदी में कोई बहा जा रहा है, जल्दी से उसे बचा ले। कमाल दौड़ के गया, टेकरी पर से देखा नदी में एक लड़का बहा जा रहा था।
कमाल नदी में कूद गया और लड़के को बाहर निकाल कर अपने पीठ पर लाद के कुटिया की तरफ चलने लगा। चलते चलते उसे विचार आया कि अरे सूरदास जी तो अंधे हैं, फिर उन्हें नदी और उसमें बहता लड़का कैसे दिख गया। उसका दिमाग सुन हो गया था। लड़के को भूमि पर रखा तो देखा कि लड़का मर चुका था। सूरदास ने जल का छींटा मारा और बोला, रा तब तक लड़का उठ के चल दिया। अब तो कमाल अचंभित हो गया, अरे इन्हें तो पूरा राम भी नहीं बोला, खाली रा बोलते ही लड़का जिंदा हो गया। तब कमाल ने वह चिट्ठी खोल के खुद पढ़ी कि इसमें क्या लिखा है। जब उसने पढ़ा तो सब समझ में आ गया। वापस आके कबीर जी से बोला, गुरु जी संसार में एक से एक सिद्ध है, उनके आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। गुरु जी आप तो यही रहिए, अभी मुझे जाकर भ्रमण करके बहुत कुछ सीखना समझना बाकी है। कथा का ये तात्पर्य मित्रों कि गुरु की कृपा से सिद्धियां मिलती हैं, उनका आशीर्वाद होता है तो साक्षात ईश्वर आपके साथ खड़े होते हैं। गुरु गुरु ही रहेंगे, वे शिष्य के मन के सारे भाव पढ़ लेते हैं और मार्गदर्शक बनकर उन्हें पतन से बचाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने नूतन कहानियों के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।